अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जो है हम लर्न करेंगे वर्किंग ऑफ बैक प्रोपगेशन। कंसीडर की गई है फॉलोइंग डायग्राम। फर्स्ट वैल्यू यहां पे रिप्रेजेंट की गई है इनपुट लेयर, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। सेकंड वैल्यू आती है लेयर हिडन लेयर, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया। थर्ड आती है आउटपुट लेयर, जिसको डिफरेंस किया गया डिजायर्ड वैल्यूज में। एंड लास्ट आती है जिसमें आउटपुट लेयर देखेंगे, जिसे हम कहते हैं बैक ड्रॉप प्रोपगेशन। ये बैक जो है लेयर आती है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट बैक प्रोपगेशन लेयर। प्री कनेक्टेड पाथ है ट्रांसफर द इनपुट एक्स, देन जो है वो वेट डब्ल्यू जो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं यूज करते हैं मॉडल द इनपुट के लिए। आफ्टर देन आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल न्यूरॉन के लिए। देन पास कर रहे हैं फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन वैल्यू से, और देन जो है वो आउटपुट लेयर से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की गई है। लास्ट जो है वो एरर जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं इन द आउटपुट, जिसमें एरर बी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एरर जो है वो सेंड बैक कर रहे हैं हिडन लेयर से और फ्रॉम द आउटपुट लेयर फॉर एडजस्टिंग द वेट्स टू लेसन द एरर अंटिल डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव्ड है, कीपिंग इटरेटिंग ऑल ऑफ द प्रोसेसेस के लिए। नीड ऑफ बैक प्रोपगेशन, सिंस ये जो है वो फास्ट है एज वेल एज सिंपल है, इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ आउटपुट्स डज नॉट इनकम पास कर रहा होता है फ्रॉम मैनी पैरामीटर जो परफॉर्म कर रहा होता है टर्निंग पे। ये जो है वो डज नॉट नेसेसिटी है, जिसमें एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज है, टेंड आउट कर रहा होता है मोर फ्लेक्सिबल है। लास्ट आती है स्टैंडर्ड मेथड है दैट रिजल्ट्स इसके जो है वो वेल एक्यूरेट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।